हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आप सभी लोग को पता है कि सीसीएमटी राउंड थर्ड का रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुका है एंड कुछ कैंडिडेट को अच्छी एनआईटी से ऑफ़र है एंड कुछ कैंडिडेट को अच्छी एनआईटी से ऑफ़र नहीं है क्योंकि उन्होंने चॉइस फीलिंग गलत कर दी थी राइट right? एंड कुछ कैंडिडेट का गेट स्कोर लो था तो उन्हें एन में भी एडमिशन नहीं मिला है अभी कुछ टाइम में स्पेशल राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो जो कैंडिडेट अपने ऑफर से सटिस्फाइड नहीं है या उन्हें कोई ऑफर नहीं है बिकॉज ऑफ कि उन्होंने चॉइस फिलिंग गलत कर दी थी स्टार्ट होने वाला है तो स्पेशल राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसको लेके स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जो स्टूडेंट रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किए थे क्या वो स्पेशल राउंड में कर सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको सी का ऑफिशियल ब्राउजर खोल के रखा हुआ हूँ और यहाँ पे स्पेशल राउंड के बारे में है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर सेवन देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे काउंसलिंग प्रोसेस फॉर स्पेशल राउंड ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर राउंड में जो भी सीटें फिल हो जाएंगी उसके अलावा जो सीटें वैकेंट रहेंगी उसके लिए जो है कि स्पेशल राउंड अरेंज किया जाता है तो स्पेशल राउंड सिर्फ वैकेंट सीट ही फुल करेगी ठीक है उसमें जैसे आपने रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था चॉइस फिलिंग किया था देन लॉक किया था अपने चॉइस फिलिंग को सेम होगा बट यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे उसका टाइप के फॉर्म में मेंशन है कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो टाइप वन कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर सी रेगुलर राउंडस बट आर एलिजिबल एज पर रूल मेंशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि जो कैंडिडेट किसी वजह से किसी रीजन से जो रेगुलर राउंड्स था सी का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो कैंडिडेट रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे च्वाइस फिलिंग नहीं किए थे वो डायरेक्ट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है आई थिंक अब आपको टाइप वन क्लियर हो गया ठीक है टाइप टू में है कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन सीसीएमटी रेगुलर राउंड्स एंड गॉट एडमिटेड ऑन अ सीट इवन इफ दे लेटर विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड बाय डूइंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फेलिंग जो सेकेंड टाइप के कैंडिडेट हैं कि जो कैंडिडेट रेगुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट किए थे और उनको रेगुलर राउंड्स में ही कुछ ना कुछ सीट अलाउट हुआ था और वो बाद में विड्रॉ कर लिए थे मतलब जो रेगुलर राउंड हुआ था रेगुलर में तीन राउंड हुए थे आपके, आपको उसमें से सीट अलाउट हुआ होगा और आपने बाद में विड्रॉ कर लिया था वो भी स्टूडेंट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है एक और कैंडिडेट के बारे में डिस्कस किया है कि कैंडिडेट एडमिटेड इन फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉट विल रिटेन देयर सीट इफ अ न्यू सीट इज नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड इफ द न्यू सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड द अर्लियर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो कैंडिडेट है रेगुलर राउंड्स में सीट अलॉट हुआ था एंड वो नहीं चाहते हैं कि जो उनकी सीट है उसको विड्रॉ करना वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं कि मेरे पास एक एन सिक्योर रहे चाहे कोई भी एन है उसको विड्रॉ नहीं किए हैं उनको रेगुलर राउंड्स में सीट मिला है बट वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इस स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको रेगुलर राउंड्स में एक सीट अलाउट है आपने उसको क्या हुआ कि एक्सेप्ट किया हुआ है ठीक है आप स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है मान लीजिए आपको रेगुलर राउंड्स में एक सीट मिला है एंड आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया लेकिन आप चाहते हो कि आप स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट करो तो आप कर सकते हो लेकिन मान लो कि आपको स्पेशल राउंड में सीट मिल गया तो जो रेगुलर राउंड्स में आपको सीट मिला था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको रेगुलर राउंड्स में सीट मिला हुआ है आपने सीट को एक्सेप्ट किया हुआ है लेकिन आप स्पेशल राउंड में रजिस्टर किए एंड स्पेशल राउंड में भी आपको एक सीट मिल गया तो जो रेगुलर राउंड्स में सीट मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगी ठीक है टाइप थ्री कैंडिडेट जो है कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन रेगुलर राउंड्स बट डिड नॉट गेट एनी सीट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड ठीक है मतलब कि जो कैंडिडेट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको रेगुलर राउंड्स में सीट नहीं मिला था वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिला होगा तो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो टाइप फोर कैंडिडेट हैं कैंडिडेट गॉट कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो ये टाइप फोर कैंडिडेट वो हैं कि मान लो जिसने रेगुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट किया बट उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर था कुछ प्रॉब्लम्स थी और रेगुलर राउंड्स में वो डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से तो उनका जो सी रेगुलर राउंड्स में ऑफर था वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया था वो भी कैंडिडेट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक बात ध्यान देना कि जितने भी कैंडिडेट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ये चारों टाइप के कैंडिडेट जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया ठीक है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने रेगुलर राउंड्स में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जितने भी टाइप के कैंडिडेट हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ठीक है आई होप आपको मैंने ये जो एलिजिबिलिटी बताया है कि कौन कौन से कैंडिडेट स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लियर हो गया होगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि पहला तो कैंडिडेट वो है जो कि रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो कर सकते हैं पहला टाइप दूसरा टाइप की जो कैंडिडेट थे वो सी में पार्टिसिपेट किए थे रेगुलर राउंड में उनको सीट भी मिला था बट वो विदड्रॉ कर ले गए थे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको सीट अलॉट हुआ है और वो विड्रॉ भी नहीं किए उन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया है वो भी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन अगर उन्हें स्पेशल राउंड में सीट मिला तो जो रेगुलर राउंड में सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा तीसरे कैंडिडेट वो हैं स्पेशल राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बट उन्हें कोई सीट ऑफर नहीं हुई थी वो भी कर सकते हैं और चौथे टाइप के कैंडिडेट वो हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन गलत हो गया था उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर थे उसकी वजह से रिजेक्ट हुए थे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते मतलब सिंपल सा कहना ये है कि जिसका मन है चाहे आपको सीट मिली है रेगुलर राउंड में नहीं मिली है आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था नहीं किया था डजेंट मैटर कोई भी कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है सी के स्पेशल राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ ठीक है आई होप आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि कौन कौन सीसीएमटी के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है ये क्लियर हो गया होगा अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि सीसीएमटी का जो स्पेशल राउंड है कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने ये जो शेड्यूल है ये ओपन करके रखा हुआ है फेज टू का दैट इज़ स्पेशल राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट है एट सी पोर्टल 12 जुलाई से पहले ही पता चल जाएगा हमको कि कितनी सीटें कौन सी एन में वैकेंट हैं वो बारह जुलाई से पहले और बारह जुलाई से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस बार ध्यान रखिएगा जिन कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग में गलती की थी वो दोबारा गलती ना करे ठीक है और आपको कोई चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है ठीक है उसके बाद जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो सिक्सटीन जुलाई है आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद जो स्पेशल राउंड का स्पेशल राउंड वन का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो ट्वेंटी जुलाई को होगा उसके बाद जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस होगा वो ट्वेंटी सेवन जुलाई को तो ये दो स्पेशल राउंड है उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा एट योर रिस्पेक्टिव एन ठीक है तो आई होप आपको ये जो मैंने डिटेल स्पेशल राउंड से रिलेटेड वीडियो बताया है आपको समझ में आया हो समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें थैंक यू सो मच